जब मैंने अपने लिए एक ब्रांड न्यू मांगा मंगाई लुक बैक, तो उसे देखते बराबर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, रीड करने लगा। बट रीड करते वक्त मुझे पता चला कि ये उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, बिकॉज इसका जो आर्ट वर्क है लिटरली गॉड लाइक का है, और उसको घर पे रीड करना उसकी बेइज्जती होगी। तो मैं निकल पड़ा एक अच्छे स्पॉट को ढूंढने के लिए। जब मैं निकल पड़ा तो मुझे पता चला एक अच्छी जगह को खोजना इतना भी आसान नहीं है, बिकॉज वो जगह अच्छी होनी चाहिए, सन्नाटा होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्यूटीफुल होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस मांगा। और आखिरकार मैं सर्च करते करते थक गया, मेरी सारी उम्मीदें खो चुकी थी, इस मांगा को रीड करने के लिए एक भी अच्छी जगह नहीं मिल रही। तभी मेरे सामने थी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर में से एक, गंगा नदी। इस अमेजिंग मांगा को मैं रीड करने वाला हूं, उस अमेजिंग जगह पे जाके गंगा नदी के बीच। चलिए जल्दी से चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे आ गए हैं, बहुत मस्त नजारे हैं पास से, तो ये नदी और भी ज्यादा सुंदर है। आप देख सकते हो बहुत सारे श्रद्धालु लोग भी आए हैं, बिकॉज यहाँ पे नवरात्रि का सीजन है। तो अगर आप वहाँ वहाँ पे देखोगे, जैसे कि मेरा कैमरा फोकस करे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि पानी लेके विसर्जन के लिए जा रहे हैं। और भी यहाँ पे आने के बाद पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। वहाँ पे बोट्स हैं, तो बोट से बात करेंगे और उसी के जरिए हम जो है बीच में जा पाएंगे। अब वहाँ पे क्या क्या हुआ ये बताता हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा फनी बात है। जैसे ही मैं गया वहाँ पे, मैंने प्राइसिंग पूछी, उसने 1000 रुपए बोली, एंड आई वाज लाइक आई, क्योंकि इतनी नहीं होती, पर उसने कैमरा और माइक्रोफोन देख लिया था, उसकी वजह से वो दुगनी तिगनी प्राइसिंग बता रहा था। बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ी, आस पड़ोस के बोट वालों से बात करनी पड़ी, उसके बाद एक स्वीट डील हमें मिल गई 150 रुपीज की, कंसीडरिंग कि उसने स्टार्टिंग में क्या प्राइस बोली थी। लोल, बाय द वे ये पूरी की पूरी बोट को बुक किया गया है, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मेरी मांगा रीड करते वक्त कोई मेरा मुंह देखे और ऑकवर्ड सिचुएशन बने, और ना ही हमें वेट करना पड़े, बिकॉज इवनिंग हो रही थी और अंधेरा होने के बाद मांगा रीड करने में मजा नहीं आता। तो हमने जल्दी से बुक किया, बैठ गए और निकल पड़े अपने सफर पे। इधर एज ऑफ नाउ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और एक्साइटमेंट से भरा हुआ हूँ अपनी मांगा को रीड करने के लिए। पर जैसे ही मैं इस बोट पे बैठा और मैंने ध्यान दिया कि जब वो चालू करने वाला है तो ये एक जनरेटर को स्टार्ट कर रहा है, जिसका मतलब एक पट 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 की आवाज वो पूरे टाइम आती रहेगी और मांगा रीड करने में ये मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगी ऑब्वियसली। और ये सभी चीजों में चार चांद लगा देता है मेरा माइक्रोफोन, जो कि वर्क नहीं कर रहा है और सेनपाई को पता भी नहीं है, मतलब ऑडियो क्वालिटी की बैंड बज गई। अब देखो प्रॉब्लम्स कितनी भी हो मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, और ये नज़ारा देखो, ये मस्ती को रुकने नहीं दे रहा था ये नज़ारा, बिकॉज इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जो लोग थे, जो ये घाट था, वो जस्ट इतना ज़्यादा पंची और इतना मस्त लग रहा था ना कि मतलब घंटों तक मैं देख सकता हूँ इस किनारे को। ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था बोट पे, तो बच्चे जैसे भी काम मैंने किया, पर जो इंपॉर्टेंट गोल था जिसे हम पूरा करने आए थे, मकसद, उसे भूलना नहीं था। तो इतनी ज़्यादा सनलाइट चमक रही थी कि मांगा पढ़ना लिटरली इम्पॉसिबल था। जो सनलाइट है वो सीधा आ रही थी और वाटर पर रिफ्लेक्ट होकर भी आ रही थी, तो इसकी वजह से मुझे हैट पहनना पड़ा। और इस घन चक्कर को देखो, इसे लगता है इसका माइक वर्क कर रहा है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लाइक कितनी भी मोटर की आवाज़ है, मैंने सोच लिया था कि हार नहीं मानूंगा और इस मांगो को लिटरली किसी भी हाल में कंप्लीट करूंगा ही। तो मैंने स्टार्ट कर दिया प्रभु का नाम लेके। ऑफ कोर्स ये इजी नहीं था, मुझे कंफर्टेबल होना पड़ा, पोजीशंस बदलने पड़े, बेस्ट ट्राई किया कि वो नॉइस मेरा ध्यान ना भटकाए और मैं मांगा पे पूरी तरीके से फोकस कर पाऊं। एक चीज जो मैंने नोटिस की मांगा को रीड करते, वो था इसके कैरेक्टर्स के नाम तात्सुकी फुजीमोटो से ही लिए गए, लाइक एक का नाम फुजिनो, एक का नाम है कियोमोटो, मतलब मोटो और फुजी दोनों को मिला दोगे तो फुजीमोटो हो जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस करते करते वो मंदिर आ गया, जो कि बहुत ज्यादा दूर से ब्यूटीफुल लग रहा था। सनलाइट, नजारे, ये सभी चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, बिकॉज इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ही ये सब चीजें, बट स्टिल मांगा को रीड करना मैंने बंद नहीं किया। फिर मैंने रीड करते करते कुछ ऐसा देखा जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था, बहुत ज्यादा डार्क भी लगा, बुरा भी लगा कि इतनी सुंदर नदी को ऐसे गंदा कर देते हैं लोग। वैसे वो जो मंदिर था जो दूर से दिख रहा था वो अब पास आ चुका था, वो क्या बताऊं कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, अभी तक बना नहीं है, जब बन जाएगा तो और ज्यादा कमाल का लगेगा। बट ये देखने की वजह से मुझे मांगा को रखना पड़ गया, सच बता रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल था। वहां पे बहुत सारे बंदर थे, लोग थे, और इसके वजह से नजारे के मजे लेने पड़े, बिकॉज ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। बाय द वे उसी टाइम हमने मोटर वाले भैया से भी बात किया, वो बोला कि भाई मोटर बंद कर दो, बिकॉज नजारे की भी मजे नहीं ले पा रहे, आप स्पीड में चला रहे हो, ना ही मांगा रीड कर पा रहे हैं, तो फायदा क्या है। तो उसको बंद करा दिया और उसके बाद सब कुछ बहुत ज्यादा बेटर था, नजारे भी बहुत ज्यादा सही थे और मांगा भी रीड कर पाते हम लोग। जो है हम बीच में आ गए और अब पूरा साइलेंट है, नहीं माइक में कोई नॉइस नहीं आ रही होगी। मस्त है, उस घाट से हमने शुरुआत की थी, अब यहाँ से हम धीमे धीमे जाएंगे। तो अब असली मौका है इस बुक को रीड करने का और एंजॉय करने का, लुक बैक बाय तात्सुकी फुजीमोटो। अब जो स्टार्ट करता हूँ इसको असली तरीके से, अभी ट्राई कर रहा था पर जम नहीं पा रहा था, पर अब असली मौका। इसमें अगर आप देखोगे तो आर्टवर्क ज़्यादा है और लिखा हुआ बहुत कम है, जिसके इजी हो रहा है, बिकॉज पैनल्स चेंज करते करते मतलब इजीली पास हो जा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं आ रहा है। आर्टवर्क ज़्यादा है, पढ़ने का मैटर बहुत कम, बहुत।
बीच के बाद जो एक महीना बाद होगा ना एकदम ये गंदा वाला निकाल के करना है लास्ट। सो कोशिश की हमने पर आधे पे ही मैरिट कर पाया था इससे ज़्यादा, क्योंकि जो आर्टवर्क है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है, इतना ज़्यादा आर्टवर्क अच्छा कमाल का है कि मैं भका भक नहीं चाहता हूँ कि इसको स्किप करके और रीड करूँ, या जैसे नॉर्मल स्पीड में करता हूँ तो 20 मिनट्स में एक वॉल्यूम एंड हो जाती है, बट इसमें मैं दुगना टाइम स्पेंड करने वाला हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्टवर्क। उसको आराम से नेक्स्ट टाइम कभी रीड करूँगा, अभी तक मैं आधी कर पाया हूँ, लाइक ही आधे के पास कर दिया हूँ। बहुत ज़्यादा कमाल की स्टोरी है, देखने में फन लविंग टाइप की लगती है बट एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। अब टाइम हो चुका है, शाम होने लगी है, सूरज डूबने लगा है, सूरज दिखा दे भैया, भैया को भी अब जाना है तो इसके आज जल्दी से जाना पड़ेगा, दिखा दे भैया को तो कभी और फिर से आएंगे दूसरी मांगा के साथ हो सकता है, बट इस टाइम आज के लिए इतना ही। तो मोटर चालू हो रहा है, मैं अपने सामान और माइक को पैक करने लगा, उतर गए और भाई के पास फोन पे वगैरह नहीं था तो कैश निकालने जाना पड़ा और एक आदमी को रुकना पड़ा था कि हम भागे ना, वो था मैं। और इतना मैं एडिक्ट हो चुका था कि एक एक पल मुझे मांगा रीड करनी थी, तो अगेन घाट पे भी मैंने थोड़ी सी मांगा रीड किया।